अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नास परवीन, मोइन मौलिम GHPS उर्दू पुलिस कॉलोनी, जमात हफ्तुम के लिए मेरा मज़मून है उर्दू, उन्वान है हम्द। बच्चों, सबसे पहले मैं इस्लाम के 5 अरकान कौन से हैं ये आपको मालूम है, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बताते चलूँगी। इस्लाम के 5 अरकान हैं बच्चों, उसमें सबसे पहले है कलमा, दूसरा है नमाज, तीसरा रोज़ा, चौथा ज़कात, पांचवा हज। बच्चों, आपको ये मालूम होगा कि हम सबसे पहले मुसलमान हैं तो हमारा पहला रुकन क्या है, कलमा हम पढ़ते हैं जो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलिल्लाह। दूसरा जो है नमाज है बच्चों, जो हम नमाज हमको अल्लाह ताला ने सुबह से शाम के लिए 5 नमाज़ें हम पर फ़र्ज की हैं। आपको मालूम है कि वो 5 नमाज़ें कौन सी हैं, फ़र्ज, फजर, जहर, असर, मगरिब और इशा। बच्चों, हम क्या करते हैं, ये दिन भर में 5 नमाज़ें हम अदा करते हैं और ये हमको फ़र्ज में शामिल है, जो अगर हम ये नमाज अदा नहीं करेंगे तो अल्लाह ताला क्या है, इसके लिए हमको सज़ा रखा है। तीसरा बच्चों, रोज़ा है, जो हमको रहना अल्लाह ताला ने हम पर रोज़ा फ़र्ज़ किया है। साल में एक मर्तबा हम क्या करते हैं, रमज़ान शरीफ के महीने में 30 रोज़े रखते हैं। और बच्चों, चौथी जो है वो है ज़कात। ज़कात ऐसी चीज़ है, अल्लाह ताला ने हम पर ज़कात वाजिब की है। अगर हमको हमारी ज़रूरत की इस्तेताअत से ज़्यादा अल्लाह ताला हमको दिया है तो हम क्या है, उसका कुछ हिस्सा हम ज़कात निकालना फ़र्ज है। उसके बाद हज। हज एक ऐसा रुकून है बच्चों, जो हमको अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ किया है और हम हज के लिए हम अगर अल्लाह ने हमको इस्तेताअत दी है तो हम हज भी हम पर फ़र्ज होगा। बच्चों, ये जो हम्द है, हम्द सबसे पहले हम्द के क्या है अहम नुकात पढ़ेंगे हम। हम्द में अहम नुकात हमारी हम्द के क्या है बच्चों, हम्द की तारीफ करेंगे, हम्द बारे तहला के मुतालिक चंद जानकारी हासिल करेंगे और हम्द में हम खाफिया अल्फाज की पहचान करेंगे। बच्चों, इस हम्द को लिखने वाले शायर है, शायर का नाम है मोहम्मद इस्माइल और उनका तखल्लुस है रब्बानी और इन तखल्लुस है नैयर और इनका लखब है रब्बानी। बच्चों, हम इनकी क्या है चंद मालूमात लेंगे, इनके इन्हों कहाँ कहाँ पैदा हुए, इनकी तालीम कहाँ हुई और इनके खिदमात क्या क्या हैं। बच्चों, इनकी पैदाइश, किनकी पैदाइश, रब्बानी जो नैयर रब्बानी है इस हम के लिखने वाले शायर, उनकी पैदाइश 5 मार्च 1923 को मलेशियरम रियासत तमिलनाडु में पैदा हुए। तालीम, उनकी इब्तदाई तालीम इस्लामिया स्कूल में हुई और आला तालीम मोहम्मदन आर्ट्स कॉलेज मद्रास में पाई। बच्चों, इन्हों खिदमात जो करे 11 साल तक इस्लामिया हाई स्कूल दर्स व तदरीस के फराइज अंजाम देते रहे। 1960 ईस्वी में दारुल उलूम सबिलुल इरशाद अरबिक कॉलेज बेंगलुरु के बानी रुकन हुए और आखिरी सांस तक इस इदारे से वाबिस्ता रहे। उर्दू, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, कन्नड़ा, मलयालम और तमिलनाडु जबानों में उबूर हासिल था। आपके कलाम में शीरनी और हलावत पाई जाती है और आपकी वफात 5 अक्टूबर 1993 ईस्वी को हुई। बच्चों, ये क्या है इनकी रब्बानी, जो इस हम्द के लिखने वाले शायर हैं, इनका थोड़ा सा तारुफ और उनकी तालीम और उनकी पैदाइश के बारे में। बच्चों, आपकी दर्सी किताब में सबक नंबर 1 जो हम्द है, ये आप आपकी दर्सी किताब खोलिए, इसमें सफ़ा नंबर 1 पर हम क्या करेंगे, इस हम्द को पढ़ेंगे। बच्चों, तमाम आप तैयार हैं पढ़ने के लिए, शाबाश, वेरी गुड। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, पहले हम इस हम्द को पढ़ेंगे। बच्चों, देखिए,
मेरे खुदाए मेहरबान तू कार साजे दो जहां, तेरा करम है बेकरम तू रब्बे जुलजलाल है। तेरी कोई नहीं तेरे सिवा जो दे किसी को आसरा, अगर नहीं तेरी रजा तो जिंदगी वबाल है। तू हर तरफ है जू फगन उफक उफक किरण किरण, जबल जबल दमन दमन कली कली चमन चमन। तुझी से कैफो रंगो बू रवा तुझी से आबो जू, हर एक सिमत तू ही तू तू मरकज़े जमाल है। ये महरो माह कह कशां, ये नीला नीला आसमां, ये दश्त बहरो बेकरां, ये मुस्कुराती वादियां। मिली है तुझसे रोशनी तुझी से नज़्मो जिंदगी, महाल तेरी हमसरी तू रब्बे बेमिसाल है। बच्चों, ये जो हम्द है इसको लिखने वाले शायर रब्बानी साहब, नैयर रब्बानी साहब ने इस हम्द में क्या है बहुत ही खूबसूरती से अल्लाह ताला की तारीफ बयान करे हैं। बच्चों, सबसे पहले हम्द में क्या है अल्लाह ताला की तारीफ बयान की जाती है। हाँ, अल्लाह ताला की हम्दो सना हम्दो तारीफ बयान की जाती है। तो शायर क्या है बहुत ही खूबसूरत अंदाज में इस हम्द में क्या करे हैं उसकी तारीफ को बयान करे हैं। अच्छा, तो बच्चों अब हम क्या करेंगे इस हम्द के चंद मुश्किल अल्फाज को देखेंगे। रब्बे जुल जलाल, जू फगन, उफख, जबल, बेकराम, ये बच्चों ये क्या है मुश्किल अल्फाज हैं जो आपके हम्द में आए हुए हैं। और बच्चों अब हम क्या करेंगे इस हम्द को उसका खुलासे में पढ़ेंगे। इस हम्द को मैं आपको खुलासा करके पढ़ाऊंगी, इसके अशार के कुछ मतलब समझाकर पढ़ाऊंगी। तो बच्चों सबसे पहले आप गौर से पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर उसके बाद मैं आपको चंद सवालात करूंगी। बच्चों, मेरे खुदाए मेहरबान तू कार साजे दो जहां, तेरा करम है बेकरां तू रब्बे जुलजलाल है। तो बच्चों शायर कहता है कि ऐ मेरे खुदा तू दोनों आलम का बनाने वाला है, तेरी मेहरबानियां बेहिसाब है। बच्चों, ये हमारी ज़मीन व आसमान का बनाने वाला है, इसकी बेहिसाब हम पर मेहरबानियां हैं, दोनों आलम का बनाने वाला है। बच्चों, दोनों आलम मतलब ज़मीन और आसमान का बनाने वाला है ये। बच्चों, आपको तस्वीर भी नज़र आ रही होंगी कि ये ज़मीन और आसमान का पैदा, सातों ज़मीन और सातों आसमान का पैदा करने वाला है। तो ऐ मेरे खुदा तू मेहरबान दोनों आलम का पैदा करने वाला है, और तेरी मेहरबानियाँ क्या है बेहिसाब है, हम पर तेरी मेहरबानियाँ बेहिसाब है, और तू आला मर्तबे वाला है, तेरा मर्तबा बहुत आला है, और हम क्या है तेरी मेहरबानियों बे इंतहा, हम पर तेरी मेहरबानियाँ हैं, और तू रब्बे जुलजलाल है, बहुत मर्तबे वाला है। बच्चों, रब्बे जुलजलाल बहुत मर्तबे वाला, जुलजलाल के माने है मर्तबे वाला, तो तू क्या है बहुत मर्तबे वाला है, तेरी हम पर मेहरबानियाँ बेहिसाब है। बच्चों, अल्लाह ताला की मेहरबानी है हम जो है जिंदा हैं, हम सांस ले रहे हैं और तमाम चीज़ों को देख रहे हैं। कोई नहीं तेरे सिवा जो दे किसी को आसरा, अगर नहीं तेरी रजा तो जिंदगी वबाल है। इसका मतलब है बच्चों, ऐ खुदा तेरे सिवा कोई किसी को सहारा देने वाला नहीं है, हम क्या है तेरे ही सहारे जिंदा है, और तू ही हमको सहारा देने वाला है, तू ही हमको मुसीबतों में सहारा देने वाला है, बीमारी में, परेशानियों में, हर इसमें तू ही सहारा देने वाला है। अगर हमारे काम तेरी रजा या मर्जी शामिल ना हो तो जिंदगी क्या है मुश्किल बन जाती है। अगर हमारे काम में तेरी रजा, रजा के माने मर्जी, बच्चों अगर हमारे काम में, हर काम में अल्लाह ताला की रजा नहीं शामिल रहेंगी तो हमारी जिंदगी क्या है मुश्किल हो जाती है। बच्चों, अल्लाह ताला के हुक्म के बगैर, उसकी मर्जी के बगैर क्या है बच्चों, हम कोई एक सांस नहीं ले सकते, ना हम उठ सकते हैं, ना बैठ सकते हैं, ना हम यहाँ तक कि हम उसकी मर्जी, उसके हुक्म के बगैर हमारी आँख की एक पलक भी
झपका नहीं सकते। और बच्चों नेक्स्ट दूसरा मिसरा जो है, तू हर तरफ है जू फगन, उफख उफख किरण किरण, जबल जबल दमन दमन, कली कली चमन चमन। बच्चों इसका मतलब है कि शायर कहता है कि ऐ खुदा तेरा नूर, तेरी रोशनी ऐसी फैली हुई है चारों तरफ, वो चाहे उफख रहन दे, चाहे कलियां रहन दे, चाहे पहाड़ रहन दे, चाहे सूरज रहन दे, चाहे हर कली पर, हर चमन पर, हर जंगल, हर जगह पर क्या है, अल्लाह ताला का नूर फैला हुआ है, अल्लाह ताला की रोशनी फैला हुई है। बच्चों यहाँ पर तस्वीर में देख रहे होंगे कि इतनी प्यारी खूबसूरत खूबसूरत फूल है, कलियां हैं, और सूरज है, और पहाड़ हैं, ये तमाम क्या है, अल्लाह ताला की खुशनूदी बयान कर रहे हैं, अल्लाह ताला की उसकी रोशनी बता रहे हैं कि अल्लाह ताला की क्या है, हर जगह हर इस पर अल्लाह ताला की रोशनी चमक रही है, अल्लाह ताला का नूर फैला हुआ है, इन चीज़ों पर अल्लाह ताला का नूर फैला हुआ है। मतलब तो हर तरफ है जू फहन, उफक उफक किरण किरण, जबल जबल दमन दमन, कली कली चमन चमन। मतलब क्या है बच्चों, शायर का कहने का कि हर तरफ तेरा उजाला है, चाहे वो कली रहन दे, चाहे पहाड़ रहन दे, चाहे जंगल रहन दे, वहाँ पर क्या है, हर तरफ अल्लाह ताला का नूर फैला हुआ है। दूसरे शायर में कह रहा है अल्लाह शायर, तुझी से कैफ और रंगो बू, रवा तुझी से आबजू, हर एक संत तू ही तू, तुमर कज़े जमाल है। ऐ खुदा तुझ से रंगों में नूर और खुशबू है, तुझ से ही क्या है, हर रंग में रंगीनी है, हर रंग में तुझ ही की, हर जो रंग है उसमें जो नूर पड़ रही है तेरी नूर, उससे क्या है वो रंग में और खुशबू आ रही है। पानी भी तेरे हुक्म से बहता है और हर सिमत तेरा जलवा है, तू ही खूबसूरती का मरकज़ है। अल्लाह ताला शायर कहता है कि अल्लाह ताला के ही हुक्म से हर चीज़ है, यहाँ तक कि पानी भी जो बहता है उसके ही हुक्म से बहता है, हर तरफ अल्लाह ताला के जलवा है, उसका नूर है। बच्चों सारी कायनात में, सारी कायनात में ज़मीन व आसमान, सातों ज़मीन सातों आसमान पर क्या है, अल्लाह ताला की खुशनूदी है, अल्लाह ताला का नूर है और उसका खूबसूरती का मरकज़ है। दूसरा देखो बच्चों शेर, तुझी से कैफ रंग बू, रवा तुझी से आबजू, हर एक सिमत तू ही तू, तू मरकज़े जमाल है। बच्चों आपको तस्वीर भी नज़र आ रही है, इस तस्वीर में भी देखो बच्चों इतना खूबसूरत अल्लाह ताला का नज़ारा है कि ऐ शायर कहता है कि ऐ खुदा तुझी से रंगों में नूर और खुशबू है, ये जो रंगों में, ये जो फूलों में, ये जो कलियों में रंग है वो सिर्फ तेरी ही वजह से है, और ये जो बहता हुआ पानी है, ये जो पानी बह रहा है वो सब तेरे ही हुक्म से है, और हर सिमत तेरा जलवा है, हर सिमत तेरा जलवा नजर आ रहा है, और तू ही क्या है, मरकज है जमा खूबसूरती का मरकज है। इसका मतलब तुझी से कैफ रंग बू, रवा तुझी से आबजू, हर एक सिमत तू ही तू, तू मरकज़े जमाल है। इसका बोलने का मतलब है कि ऐ खुदा तुझी से क्या है, रंगों में नूर और खुशबू है, और क्या है, तेरे ही हुक्म से क्या फैलता है, हर तेरे ही हुक्म से पानी बहता है, और हर सिमत क्या है, तेरा ही जलवा नज़र आता है, और तू खूबसूरती का मरकज़ है। हाँ इसके बाद का देखो बच्चों, इसके बाद का अशार, ये महरो मह कह कशां, ये नीला नीला आसमां, ये दश्तो बहरो बेकरां, ये मुस्कुराती वादियां, कितना खूबसूरत शायर ने लिखा है देखो बच्चों, ये महरो मह वो कह कशां, ये नीला नीला आसमां। बच्चों कह कशां, चांद तारे आसमान, ये सब क्या है, ये दश्तो बहरो बेकरां, ये मुस्कुराती वादियां। इस शेर में शायर कह रहा है बच्चों कि ये चांद, ये सितारे, ये सितारों भरा आसमान, ये जो सितारों भरा आसमान है, ये चांद है, ये सब सितारे हैं, ये सूरज है, और ये हरे हरे जंगल, ये तमाम क्या है, ये वसी समंदर जो है, वसी मतलब बच्चों बड़ा समंदर, वसी गहरा, ये जो वसी समंदर है, ये खूबसूरत चांद और सितारे हैं, और ये जो खूबसूरत वादियां हैं, ये सब क्या करते हैं बच्चों, अल्लाह ताला की
खुशनुदी बयान कर रहे हैं, अल्लाह ताला की खूबसूरती बयान कर रहे हैं। बच्चों, जब हम ये नज़ारे देखते हैं तो हमको ऐसा होता है कि या अल्लाह ताला की कितनी बड़ी मेहरबानी, अल्लाह ताला की कितनी बड़ी हम पर करम है, अल्लाह ताला की कितनी बड़ी नवाजिश है कि हम ये खूबसूरत खूबसूरत मनाजिर देखते हैं और खुश होते हैं और अल्लाह ताला का हम शुक्र अदा करते हैं। अच्छा बच्चों, इसके बाद और एक अशआर है, मिली है तुझसे रोशनी, तुझी से नज़्म व ज़िंदगी, महाल तेरी हम सरी तो रब बेमिसाल है। मिली है तुझसे रोशनी, तुझी से नज़्म व ज़िंदगी, महाल तेरी हम सरी तो रब बेमिसाल है। इसका मतलब है बच्चों, शायर कह रहा है हर तरफ क्या है, तेरी रोशनी है और तू ही ज़िंदगी बसर करने का हमें तरीक़ा सिखाता है, और ऐ खुदा तू वाहिद है, तेरी मिसाल कहीं नहीं है। शायर कहता है कि मिली है तुझसे रोशनी, तुझी से नज़्म व ज़िंदगी, महाल तेरी हम सरी तू रब बेमिसाल है। इसका मतलब है कि तेरी रोशनी क्या है, हर तरफ है, तू क्या है, तू हमको ज़िंदगी बसर करने का तरीक़ा सिखाता है, और ऐ खुदा तू वाहिद है, वाहिद मतलब एक है, जो तेरी कोई मिसाल नहीं है, वाहिद है। कितना खूबसूरत है कि तू तेरी जो मिसाल है, तेरा जो वाहिद है तू, उसका एक मिसाल ये है कि तू क्या है, चाहे तो तू पत्थर में भी पौधा उगा सकता है। बच्चों, अल्लाह ताला क्या नहीं कर सकता, उसकी रहमत हम पर इतनी है कि वो एक पत्थर में भी क्या है, पौधा उगा सकता है। उसकी हम पर इतनी इनायत, इतनी मेहरबानियाँ हैं बच्चों। और क्या है, कितने खूबसूरत फूलों पर अल्लाह ताला इतनी खूबसूरत कीड़े मकोड़ों की ग़िज़ा रखा है। शहद की मक्खी जब चूसती है फूलों से रस उसका, तो हमको शहद हासिल होता है। ये भी हम पर अल्लाह ताला की बहुत बड़ी मेहरबानी है, बहुत बड़ा करम है बच्चों, के एक छोटे से कीड़े को भी अल्लाह ताला ने हमको इतना फ़ायदा दिया है उससे, कि हम उससे कई हम जो है शहद निकालते हैं और फूलों से रस चूस कर वो हमको शहद पहुंच जाता है। तो ये क्या है, सब अल्लाह ताला की बेमिसाल मेहरबानियाँ हम पर आए। अच्छा बच्चों, अब हम थोड़े मुरक्कबात किसको कहते हैं, मुरक्कबात अल्फाज क्या है देखेंगे हम। मुरक्कबात दो लफ्ज़ों को मिलाकर एक लफ्ज़ बनता है, इसको मुरक्कबात कहते हैं। आपकी दरसी किताब में बच्चों चंद मुरक्कब अल्फाज दिए गए हैं, इसको हम थोड़ा पढ़ेंगे। पहला कारसाज, कारसाज के माने दुनिया और आखिरत बनाने वाला। मरकज़े जमाल, मरकज़े जमाल क्या है, खूबसूरती का मंजर। इसके बाद बहरे बेकरां, बहरे बेकरां मतलब तो निहायती वसी समंदर, निहायती वसी मतलब बड़ा, बहुत बड़ा समंदर जो रहता है उसको कहते हैं बहरे बेकरां। बहर के माने बच्चों समंदर, तो बहरे बेकरां बहुत निहायती वसी दरिया। हुस्ने लाजवाल, हुस्ने लाजवाल ना ख़त्म होने वाला हुस्न, जो ख़त्म ही नहीं होता उसको कहते हैं लाजवाल के माने ना ख़त्म होने वाला। हुस्ने लाजवाल ना ख़त्म होने वाला हुस्न। शय उमम के माने बच्चों उम्मतों के बादशाह, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लखब है जिसको शय उमम कहते हैं। शय हुदा मतलब सीधे रास्ते के सरदार या बादशाह, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लखब। हाँ, शय हुदा, शय उमम, शय हुदा। हाँ बच्चों, इसको कहते हैं मुरक्कब अल्फाज। इसके बाद हम देखेंगे आपकी दसी किताब में चंद मानवी माने दिए गए हैं। मानवी फ़र्क कैसा है, मानों का फ़र्क दम समा दिल अर्ज। दम के माने है, दुम के माने है जानवर की पूंछ, और दम बोलते हैं सांस को। समा आसमां, समा के माने मंजर को भी कहते हैं। दिल मोटाई, जिसामत जिसको कहते हैं दल। दिल के माने खल्ब। अर्ज ज़मीन, अर्ज के माने गुजारिश। बच्चों, हर्फ का एक हर्फ, इसके दो दो माने होते हैं, जैसा कि दुम दम समा समा दल दिल अर्ज अर्ज। हाँ, ये क्या है, मानवी फ़र्क है।
ये दुम के माने हैं जानवर की पूंछ, जो जानवरों की दुम होती है उसको कहते हैं सांस। दम सांस के माने हैं। समा आसमान को कहते हैं। समा मंजर, खूबसूरत मंजर को भी हम माने में समा लेते हैं। दल मोटा, जो जिसामत, जो मोटी जिसामत रहती है उसको दल कहते हैं। दिल के माने हैं खल्ब, हमारा दिल। अर्ज के माने हैं जमीन, और अर्ज करते हैं गुजारिश, रिक्वेस्ट जिसको बोलते हैं वो है अर्ज। अच्छा बच्चों, अब हम उन अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करेंगे। जो अल्फाज पहले हम दिए पढ़े थे उसको हम जुमलों में इस्तेमाल करेंगे। दम, दम के माने सांस। बच्चों उसको हम ऐसा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जब हम तेज़ दौड़ लगाते हैं तो हमें दम आने लगता है, हमारी सांस फूलने लगती है। हम तेज़ तेज़ दौड़ लगाने पर दम लेते हैं, सांस तेज़ तेज़ लेते हैं। बच्चा दुम, दुम के माने जानवरों की पूंछ। जानवरों की पूंछ होती है, कई जानवर पूंछ वाले होते हैं। वैसा ही समा, समा के माने है मंजर। सुबह का मंजर बहुत दिलकश होता है। बच्चों जब हम सुबह सवेरे उठते हैं तो सुबह का मंजर इतना खूबसूरत, इतना प्यारा, इतना अच्छा लगता है कि हमको बहुत वो मंजर देखकर हमको बहुत खुशी होती है, बहुत खूबसूरत, बहुत दिलकश लगता है। समा, समा के माने हैं आसमान। बच्चों आसमान पर चांद और तारे इतने खूबसूरत लगते हैं कि हम देखकर बहुत उसको खुश होते हैं। होते हैं ना बच्चों आप लोग भी? हाँ, शाबाश, वेरी गुड। तो क्या है, आसमान पर चांद और तारे बहुत खूबसूरत लगते हैं। बच्चों ऐसे ही चंद अल्फाज आपकी दर्सी किताब में दिए गए हैं, वो मानवी उसका फ़र्क, वो आप क्या करेंगे दर्सी किताब में पढ़कर और चंद अल्फाज के जुमले बनाकर मुझे आइंदा की क्लास में बताएंगे। अच्छा बच्चों इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अल्फाज माने। आपकी दर्सी किताब में चंद अल्फाज माने दिए गए हैं। रब्बे जुल जलाल मर्तबे वाला, वबाल मुश्किल, जूफगन रोशनी फैलाने वाला, उफख वो जगह जहां जमीन व आसमान मिलते हुए दिखाई देते हैं, जबल के माने हैं पहाड़। बच्चों और एक बार फिर बोलती हूँ, देखिए, रब्बे जुल जलाल मर्तबे वाला, वबाल मतलब मुश्किल माने हैं उसके, जूफगन रोशनी फैलाने वाला, उफख वो जगह जहाँ जमीन व आसमान मिलते हुए दिखाई देते हैं, जबल मत के माने हैं पहाड़ के। बच्चों वैसा ही क्या है, आपकी किताब में चंद अज़दाद दिए गए हैं, वो अज़दाद देखिए। अज़दाद किसको कहते हैं बच्चों? पहले उसका उल्टा, अपोजिट। हाँ, दिन के माने हैं, दिन के उल्टा क्या है उसका, रात है, जिंदगी, मौत। इसी तरह क्या है, कर्म के माने, कर्म का अपोजिट है उसका ज़िद, अपोजिट, खहर, तारिकी, रोशनी, जिंदगी, मौत, खास, आम, आया, निहा। ये क्या है, अज़दाद है, ये अपोजिट अल्फाज है उसके, जो हम मौत, जिंदगी, काला, गोरा, सुबह, शाम, लड़की, लड़का, औरत, आदमी, जिंदगी, मौत, ये क्या है, अज़दाद, अज़दाद है इसका उल्टा, जो भी अल्फाज है उसका उल्टा। बच्चों इसके बाद हम क्या करेंगे, एक मशकी सरगर्मी करेंगे। अब तक मैं जो आपको हमद उसका खुलासा बताई हूँ, हमद पढ़कर बताई हूँ, खुलासा बताई हूँ, इसके क्या है, मैं आपको मशकी सवालात दूंगी, इसका जवाब आप देंगे। बच्चों पहला सवाल है, हम किसकी इबादत करते हैं? बच्चों बोलेंगे हम किसकी इबादत करते हैं, कोई बोलेंगे? हाँ, शाबाश, हम किसकी करते हैं, अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। अच्छा इसी तरह से बच्चों दूसरा सवाल है, दोनों जहां पर मेहरबान कौन है? बच्चों बोलेंगे दोनों जहां पर मतलब जमीन और आसमान पर मेहरबान कौन है, कोई जवाब देंगे? शाबाश, अल्लाह दोनों जहां पर मेहरबान अल्लाह ताला है। अल्लाह ताला क्या है, जमीन सात, जमीन सात आसमानों पर मेहरबान है, वेरी गुड। इसके बाद तीसरा सवाल है बच्चों, अल्लाह ताला की रोशनी कहाँ कहाँ दिखाई देती है, कोई बोलेंगे? हाँ, वेरी गुड, शाबाश, अल्लाह ताला की रोशनी हाँ हर तरफ दिखाई देती है। अल्लाह ताला की रोशनी क्या है, हर तरफ दिखाई देती है। अच्छा तो बच्चों इसके बाद
मैं क्या करूंगी आपको वचन? घर पर काम दूंगी। वो काम आप क्या करेंगे घर पर? याद से जबानी हम के चांद अशार को आप जबानी याद कर कर आएंगे। जो भी जबानी अशार है हम के पूरे अशार को आप क्या करेंगे घर पर याद कर कर आएंगे। बच्चों समझ में आया ना तमाम? शाबाश, वेरी गुड। इसके बाद क्या है? हम क्या है? आप हम के अशार को जबानी याद कर कर आएंगे। अच्छा बच्चों, ये हम्द आप इंशाल्लाह मैं इसके बाद और एक क्लास में आपको इसके बाद का भी मैं पढ़ाऊंगी। अब तक के ये इसके लिए मेरे को इजाज़त, मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। शुक्रिया।